आ तो जाएगा, मुझे तो पता ही था। अब इसे फिर से उंगलियों पर नचाऊंगी मैं। बहुत बीवी होगी, शादी तो की नहीं होगी। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब मैं तुमसे मूव ऑन हो चुका हूँ और मेरी पहली बार शादी हो चुकी है मेरी। अब किस मैं चलूं तुम्हारे साथ? चलूं तो अरे बीवी को दिखाऊं कैसे सो? छोड़ छोड़ ऐसे क्या कर रही है मेरे पति के साथ? तुझे पता है ये मेरे साथ कैसे रहता था, कैसे सोता था ये मेरे साथ? तुझे पता है क्या कर रही हूँ मैं? क्या अभी मिले 3 महीने पहले? और मजे की बात सुनना, तू मैं प्रेग्नेंट हूँ। बता मतलब ये आ गई है ये? हम मैं समझे मतलब इसके लिए तो। हेलो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी उम्र से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं विजय भाई और ये इनकी बीवी। गाइज विजय भाई के साथ एक प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले इनकी शादी हुई है और अब इनको एक लड़की परेशान कर रही है। भाई क्या बात है, एक बार आप खुल के बताओ कौन है वो लड़की और क्यों परेशान कर रही है आपको? भाई 6 महीने पहले मेरी प्रिया शादी हुई है और इससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब कि 3 महीने पहले मेरा उससे ब्रेकअप हुआ था शादी से पहले। ठीक है, शादी से पहले ब्रेकअप? 3 महीने पहले। मतलब वो मेरी अच्छी मतलब मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार करता था। 1.5 साल से हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन में पता चला कि वो चीट कर रही थी मुझे। उसके साथ मेरे सिवा अलावा भी उसकी लाइफ में 2 लड़के और थे। मुझे जान के बहुत शौक हो गया था, कैसे यार जिसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके सब कुछ करता था मैं, उसके हर एक डिमांड पूरी करता था, बट मुझे चीट कर दिया। मुझे रियलाइज नहीं हुआ जब मैंने खुद देखा उससे। फिर मैंने पूछा उससे कि क्यों कर रही मेरे साथ ऐसा। हमारी काफ़ी बात हुई इस बात पे और फिर एंड में उसने ये बोला कि जैसे तुम हो वैसे वो 2 लड़के भी मेरे लिए, प्यार तो मैं तुमसे भी नहीं करती। तो फिर मैंने बोला क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्योंकि बस फ़ायदा जो चाहिए तुम्हारे पैसे, शौक, मैं शौक पूरे कर रही हूँ। और फिर मैंने बोला कि प्लीज़ मेरे उस बाकी लोगों को छोड़ दो, मेरे साथ रहो, मैं तो शादी करना चाहता हूँ उससे। बट उसने बोला कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ। और फिर एंड उसने मुझसे बोला कि ब्रेकअप, मतलब मैं नहीं चाहता था उसे ब्रेकअप, बट उसने मुझे ब्रेकअप करके मुझे छोड़ दिया उसने मेरे भाई अकेला। उसके जाने के बाद फिर बहुत अकेला, मैंने उसे कॉल भी किया, टेक्स्ट भी किया, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने मेरा नंबर तो मेरा ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया कि मैं कैसे उससे वापस बुलाऊँ, किसे ढूंढूँ, कहीं नहीं मिली मेरे को। तो 1 से 2 महीने तक मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा, घर वाले से कुछ बात नहीं करता था, कहीं जाता नहीं था, अपना मैंने काम तक छोड़ रखा था, ऑफिस से कॉल आ रहे थे मेरे। मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गया था भाई मैं। फिर मेरे घर वालों ने मैं समझाया, उनको ये नहीं पता था कि मेरी कोई लड़की है लाइफ में, उनको लगा कि मेरी कोई और टेंशन। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया बात। फिर घर वालों ने कहा शायद इसकी शादी करवानी चाहिए। फिर उन्होंने एक प्रिया से घर वालों से बात करी प्रिया के, और फिर इससे मैं शादी करवा दी। फिर धीरे धीरे प्रिया ने मेरी काफ़ी हेल्प करी मूव ऑन करने में। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब भाई ये कि 2 महीने पहले उसको वापस मैसेज आया मेरे को और फिर वो मुझसे वापस मिलना चाहती है, बट मैं उससे मिलना नहीं चाहता क्योंकि मैं उससे भूल चुका हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो प्यार के लायक ही नहीं लड़की वो। अब मैं प्रिया के साथ बहुत खुश हूँ, ये मेरा साथ देती है, और मैं उससे वापस नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में वापस आए। बट फिर मुझे मैसेज कर रही है, टेक्स्ट कर रही है, मुझे बोल रही है कि मुझे वापस तुम्हारी याद आ रही है। मैंने उससे मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना उससे, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही भाई। वो मुझे बार मैसेज कर रही है कि मैं तुमसे मिलना था, मैंने उससे बोल दिया कि मेरी शादी हो गई है, बट वो कह रही नहीं तुम शादी नहीं कर सकते किसी और से, मेरे से हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो नहीं मान रही, मैंने उससे फोटो भी दिखाया बट तब भी नहीं मान रही वो। कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा किया ये बात आपने अपनी वाइफ से शेयर किया। तो आप अभी इन पे ट्रस्ट करते हो इस बात को लेकर? मुझे इन पे पूरा ट्रस्ट है, मुझे पता है मुझे धोखा नहीं दे सकते, बहुत प्यार करते हैं। अगर इनके मन में पहली बात कुछ होता तो ये मुझे बताते ही नहीं ना उसके बारे में। इन्होंने मतलब मुझे शादी से पहले ही उसके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे बात है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, अब मूव ऑन कर चुके हैं, मैं इनके साथ खुश हूँ, ये मेरे साथ खुश है। कोई नहीं, अगर वो लड़की इनको परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है, तो आप अगर इनको सपोर्ट करोगे ना तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं मैं इन्हें फुल सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ में। कोई नहीं भाई, तो एक काम कर लो, ठीक है, जो भी परेशान करती है आज का दिन नहीं करेगी, इसकी गारंटी है, कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, बस उसे एक बार यहाँ बुला लो, मिल लो एक बार आप उससे। ठीक है, फिर बात करो आप उनसे, फिर हम आते हैं। ठीक है, पकड़िए। हाँ गई, आ तो जाएगा, मुझे तो पता ही था। अब इसे फिर से उंगलियों पर नचाऊंगी मैं। बहुत बीवी होगी, शादी तो की नहीं होगी। वाह बीवी, कैसे हो? अरे क्या हुआ, इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? पकड़ा, ये पकड़ा पकड़े मत करो, बात कर। क्या हुआ? अच्छा बात बताओ बेबी, बताओ तो सही क्या हुआ है। अरे मतलब ये कैसा लग रहा है तुम्हें? मतलब मैंने पहली बार छू रही हूँ, टच कर रही हूँ तुम्हें? पहली बार की बात नहीं है, पहली की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी है। तो अब क्या हो गया? नहीं पकड़ो मत मेरे को,
क्या हुआ? अच्छा बताओ बताओ, अब बात तो बता दो आप, बात थोड़ा दूर होके बात करो ना, मतलब बात करनी हो तो बैठो, यहाँ बैठो, आप बैठो, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऑकवर्ड फील कर रहे हो? मैं टच कर रही हूँ तो मैं कह रहा हूँ तो बात, अरे हाथ तो पकड़ने दो यार, मत पकड़ो हाथ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। क्यों, क्या हुआ? तुम बस ये बताओ तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो बार बार अब? अरे मुझे मिलना था तुमसे, बातें करनी थी यार, कितना लंबा टाइम हो गया बात की हुए। मैंने बोला ना मैं तुम्हें बात नहीं करना, मैं मुझे क्यों नहीं करना, बस मुझे तुमसे बात नहीं करना। अब मुझे तो करनी है ना बात। क्यों करनी है बात? क्यों, कितना लंबा टाइम हो गया बात करे हुए बताओ? हमें हमारे ब्रेकअप को 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने। अरे हो गया, थोड़ा बहुत नोकझोंक सब में होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई सब में। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब मैं तुमसे मूव ऑन हो चुका हूं और मेरी पहली बार शादी हो चुकी है मेरी अब। किस मतलब शादी? ये मजाक ना किसी और से करना कि शादी हो चुकी है तो मैं बोल रहा हूं मेरी शादी हो चुकी है, पीछा छोड़ दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कि शादी का बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें कि हां जाओ तुम। शादी हो चुकी है, 6 महीने हो गए मेरी शादी को। मुझे नहीं पता शादी हो चुकी है नहीं, मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे। ये बात है, क्या करूं मैं, क्या करूं, तुम चाहती क्या हो? फिर से हम साथ रहते हैं ना जैसे पहले रहते थे। नहीं हो सकता अब। क्यों नहीं हो सकता अब? क्या बात, पुरानी हो गई अब वो नहीं हो सकता बस। अरे 9 महीने तो हुए बस, क्या हो गया? 9 महीने कम नहीं होते हैं? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैं अकेला डिप्रेशन में था। अच्छा तो मैं सॉरी बोलती हूँ ना उस बात के लिए, मैं सॉरी सॉरी बात। अच्छा आप जो सजा देना चाहते हो दे दो, साथ में रहते हैं ना। बात ही नहीं करनी है यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी बताओ? मेरे बिना वो दो लड़के कहीं बचाओ, दो लड़के थे यार, वो दोस्त थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने बोला कौन है तो ये भी तुम्हारे जैसे ही है। अच्छा चलो, कभी कभी होता है ना कि गलती हो जाती है छोटी मोटी, बस ऐसा ही था। बाबा जी मेरा फायदा उठाने के लिए आ रही हो ना मेरे पास? अच्छा चलो, तुमसे पहले भी प्यार नहीं करती थी ना, अभी भी प्यार करती हो? अभी भी प्यार करती हूं। प्यार नहीं करती थी तुमसे, हवा मत करो मेरे से, आगे चलकर फिर मेरा साथ छोड़ दूंगी। अब पहले मैं तुम्हारे साथ, मेरे को आना ही नहीं है कि मेरी शादी हो गई है और मेरी प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। ये मुझे झूठा दिलासा मत दो कि मेरी शादी हो गई है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। सच है ये, मैं तुमसे प्यार नहीं करता बस। क्यों नहीं करते बताओ? मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ बस। मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। मुझे नहीं रहना था, मैंने बोला ना, मेरा हाथ पकड़ो बार बार। घर चलू मैं तुम्हारे? घर चलू? घर चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मेरी बीवी है। तो बीवी को दिखाना चाहते हो कि मैं हूँ? उससे तुम्हारे में सब पता, मैं सब बता रहा था। वीडियो दिखाऊं मेरे साथ कैसे घूमते थे, मेरे साथ कैसे रहते थे, तुम्हारे घर पे बताऊंगी। ब्लैकमेल क्यों कर रही हो मेरे को ये सब? फिर जब हम मत करो मेरे साथ, क्या कर, कितना बार बोलूं मैं तुमसे, मैं थक गया हूं इन सब से। पीछो मैं भी थक गई हूं, तुम या तो सीधी तरीके से आ जाओ मेरे साथ, ठीक है ना? ये सब क्या, या तो फिर मैं तुम्हारी बीबी को बताऊं, अगर बीबी है तो उसे बताती हूं ना, घर चल के ये वीडियो दिखाती हूं ना, कैसे तुम मेरे साथ रहते थे, कैसे क्या करते थे। क्या करूं मैं, क्या करूं ये बताओ मुझे। पीछो क्या कर रही हो, क्या बताऊं क्या, मतलब क्या चाह रहे हो? मैं चलूं तुम्हारे साथ? चलूं तो बीबी को दिखाऊं कैसे? क्या कर रही है मेरे पति के साथ? अच्छा तू है इसकी पत्नी, तुझे पता है ये मेरे साथ कैसे रहता था, कैसे सोता था ये मेरे साथ, तुझे पता है? क्या कर रही हूँ मैं, क्या के बात नहीं, तू क्या कर रही है मेरे साथ? रहा है ये, मैं जानती हूँ इसे 1.5 साल से, कैसे मेरे साथ रहा है ये? अच्छा कैसे रहा है बता, बता क्या बताना चाहती है? जानती कितने दिन बताया था? 6 महीने 4 महीने। क्या हुआ है शादी को? कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ तेरी शादी को? क्या बदतमीजी कर रही है ये, बता ना कितना टाइम हुआ? 6 महीने हो गए मेरी शादी, कितने बार बोलूंगा? 6 महीने? मैं 1.5 साल से जानती हूँ उसे। क्या जानती है, क्या जानती है तू उसके बारे में? क्या जानती है? तू नहीं जानती, तू ना जानती मेरे साथ घूमता फिरता मेरी पहले, हाँ। पहले जानती थी ना, हाँ। सब कुछ खत्म हो गया ना? क्यों खत्म हो गया है? अरे अभी तो 3 महीने पहले मिले हैं हम। 3 महीने पहले? हाँ। कब 3 महीने पहले? अभी मिले 3 महीने पहले। और मजे की बात सुनना तू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बता ये बता, झूठ बोले जा रही है? झूठ नहीं बोल रहा, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, बोल रहा हूँ ये झूठ बोल ले तुम्हारी कसम। मुझे पता है, मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास, तुझे विश्वास है ना? विश्वास है अपने पति, मुझे भी ऐसे ही, मुझे भी पता है इसी का बच्चा है। मैंने तो कुछ नहीं किया है, इसी का है ये। 3 महीने पहले मेरे पास आया था ये। पूछ क्या प्रूफ है तेरे पास? तुम प्रूफ दे ना मुझे, क्या प्रूफ है तेरे पास की तेरे, क्या प्रूफ दूं मैं प्रेग्नेंट हूं? ये प्रूफ ऐसे, इसका बच्चा प्रूफ दे दे फिर। अरे इसी का है, 3 महीने पहले में। अभी क्यों आई हूँ मैं इससे मिलने, क्यों आई हूँ ये बता। ये बच्चा इससे ये हो गया इसका फिर? अरे मैं इसे ये गुड न्यूज देने ही तो आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, 3 महीने कब मिल गया मैं तुमसे? 3 महीने पहले कहा? अभी 3 महीने पहले मिले हो तुम? मिला मैं तुमसे लास्ट में, 9 महीने हो गए। तुम क्या चाहते हो,
क्या चाहते हो? वो चाहता है कि लाइफ इसकी लाइफ से बाहर निकल मेरी लाइफ। मैं नहीं जा सकती इसकी लाइफ से। क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? पहले भी तो गई थी ना। मैं आई हुई हूं पहले से, 1.5 साल हो गया मुझे इसके साथ। पहले भी तो इसको छोड़ के गई थी ना। तो क्या हो गया? ऐसे तो थोड़े झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे। कुछ मेरा पति है, मेरी शादी हो चुकी है उससे। अब मतलब ये बीबी आ गई तो मेरा कोई वो नहीं है कि तेरा लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं रही तुम्हारे पास। मुझे तुमने नहीं छोड़ा था। मैंने नहीं, तुमने छोड़ा था मेरे को उन लड़कों के लिए। मैंने नहीं छोड़ा, छोटे मोटे झगड़े हो। मतलब ये प्यार से दूर, मतलब ये आ गई है, ये आ गया हम, मैं समझे। मतलब इसके लिए तुम मुझे मार रहे हो? मारूंगा मैं, मेरी बीबी हो गया तुम। छोड़े तू गई थी मेरे को। पागल तुम हो रही हो, ठीक है? पागल ये हो गया है, पता है? अब ये मेरे साथ है, अब ये मेरे साथ रहेगी। तू मेरी लाइफ मैटर नहीं करती है। बहुत मैंने धीरे बात कर ली। अब मतलब अभी तक मैंने सर से ऊपर पानी गया नहीं था, अब चला गया। तू सब तो कर लिया, तूने ब्लैकमेल कर रही है मेरे को। क्या करेगी तू? और मैं चाहूंगा 2 मिनट में केस कर दूं, वीडियो ना हमारी वायरल करूं, डालूं सोशल मीडिया पर। बताओ ये तू अच्छा नहीं कर रही सोशल मीडिया। क्या नहीं करूं? तुम मेरे साथ रहोगे, इससे बोलो जाएगी हमारी जिंदगी। क्यों जाएगी वो? तू जाएगी बाहर। क्यों जाऊंगी मैं? हम दोनों पहले से साथ थे, ये आई है बीच में, तुम इसे लाए हो। नहीं आई, मेरी शादी हो चुकी। साथ छोड़ दिया, वो मेरे साथ है, अब वो मेरे साथ रहेगी। मुझे नहीं पता, हम शादी हो रखी मेरे से। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम मेरे साथ रहोगे। ये पागलपन तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा वो करूंगी। पागल हो चुकी है, पागल हो गई हो तुम। डालो मैडम, हेलो। क्या है, क्या है? अबे ये कौन है? अरे तुझसे बात कौन कर रहा है भाई? यूट्यूब पे डालोगे? कहां डालोगे? कहीं भी डालो, तुझसे बात कौन कर रहा है? मैं इससे बात कर रही हूं ना। अबे ये कौन है? इसे बोला तू चला जा, बता दे रही हूँ। चला जा? हाँ तू चला जा, इससे बात कर रही हूँ मैं। शौक है वीडियो बना के डालने का सोशल मीडिया पे। वो शादी करके बोल रहा है अलग रहना है, अब नहीं रहना चाहता। 1.5 साल से मेरे साथ रह रहा था ना। अच्छा अब नहीं रहना? नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? उसकी शादी हो चुकी है ना, वो छोड़ के नहीं गया था, तू गई थी ना। अरे तो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, चले गए तो क्या हुआ? अब उसकी शादी हो चुकी है और तू ब्लैकमेल कर रही है। सोशल मीडिया वीडियो डालना है ना, डाल, अपलोड कर। डाल दूंगी मैं, और तू जा अपना काम कर। तुम बता रही हूँ, बोलो। हेलो हेलो हेलो, पीछे मेरे से पहले क्या पता है कैसे बनाते हैं और कैसे डालते हैं? देखो वहाँ, देखो क्या देखो मैं? उधर देखो, उधर देखा देखा, पूरा अच्छे से वीडियो। इसे बोलो कैमरा बंद करेगा, नाटक कर रहा है। चलो हेलो हेलो, नाटक वीडियो बना रही है ना, सच में प्रेग्नेंट है? हां हां करवाओ टेस्ट अभी। क्यों तुम क्यों करवाओगे टेस्ट? तुम क्यों करवाओगे टेस्ट? क्यों करवाओगे? मैं इसे बोल रही हूं ना, तुम अपना काम करो। अब ये कुछ नहीं करवाएगा, ठीक है? इसकी शादी हो चुकी है, दूर हो जाए इससे, वरना इतना मारूंगा ना। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो विजय। अच्छा तुमने नहीं किया मेरे साथ, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो यहाँ। मतलब ये सब कर रहे हो, ये बुला के, मतलब ये वीडियो वीडियो छोड़ा, ब्लैकमेल तुम कर रही हो और अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ। वो 6 महीने से तुमसे मिला भी नहीं है, थोड़ी तो शर्म कर लो। मैडम प्यार से समझा रहा हूँ, बात हो चुकी है बहुत, ठीक है? थप्पड़ खा चुकी हो, निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? विजय ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, ये बुला के ना बहुत गंदा कर रहे हो। दफा हो जाए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बोलो ही नहीं, तुमने जैसा किया वैसे तुम भुगतोगी। मुझसे मत बात करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? चले जाओ यहाँ से बस। मैडम दफा हो जाओ, ठीक है? आपका यहाँ दाल नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से। चलो दफा हो जाओ। कोई नहीं भाई, परेशान मत हो, ठीक है? आप कोई दिक्कत नहीं करेगी। क्यों परेशान हो रहे हो आप? मैं हूँ ना आपके साथ। मतलब ऐसे कोई भी आके कुछ भी बोलेगा मैं उसको विश्वास कर लूंगी। और बहुत लकी हो यार आपको, मतलब आपको भी थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो कि आपने इसको सपोर्ट किया, ठीक है? नहीं तो मतलब सीरियसली ये बहुत परेशान हो जाता अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये लड़का सही है, अभी ये गलत नहीं है। मुझे पता है, मुझे लेके बहुत लॉयल है। और आपको इस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, अपलोड कर सकता हूँ ना, ठीक? थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।